Good morning, friends. Myself, Kedar Badeka. Today, I am taking your lecture number 31 of the subject Manufacturing Technology. So, in today's lecture, we start the last chapter from your syllabus and the most important chapter from your syllabus, which is the chapter number 2, Foundry Technology. अगर हम लोग इस चीज़ को मार्क्स के हिसाब से देखें एग्ज़ाम के अंदर तो ये चैप्टर जो है वो मार्क वाइज भी हम लोग कंपेरिजन करें तो 24 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक यानी 24 से लेके 30 मार्क तक जो है इसका वेटेज जो है वो एग्ज़ाम के अंदर रहता है राइट तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये और मेटल जॉइनिंग प्रोसेसेस जो हमने वेल्डिंग की सारी प्रोसेसेस जो हमने पढ़ी थी वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दो चैप्टर इस सिलेबस के अंदर जो है वो गिने जाते हैं तो अगर कोई अच्छी तरह से ये दो चैप्टर प्रिपेयर करके जाता है तो डेफिनेटली उसका जो एग्ज़ाम क्लियर करने का जो इश्यू है तो वहीं ये दो चैप्टर में से ही ये इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाता है पर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारे चैप्टर सीख के जाए सारे चैप्टर जो है वो थरोली जो है वो आप समझें क्योंकि एक्चुअली ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट है ही पर आपकी लाइफ के अंदर आप एज एन इंजीनियर जब कंपनी के अंदर जॉब करने जाओगे तब इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो बन जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाओगे किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाओगे तो आपको किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ आपको को रिलेट जो है वो होना ही पड़ेगा तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाउंड्री टेक्नोलॉजीज जो चैप्टर है वो और फाउंड्री टेक्निक्स के अंदर जो है वो हमारा फर्स्ट है वी स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस व्हाट इज़ द मेटल कास्टिंग प्रोसेस इन टुडेज लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज पेटेंट्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेटेंट्स So let's start the discussions over the basic introductions about the casting process. So in metal working process, the casting means a process in which a liquid metal is poured into the mold that contain a hollow cavity of a desired shapes and is then allowed to cool and solidify. The solidified part is also known as a casting, which is injected or a broken out of the mold to complete the process. अब इस चीज़ जो सेंटेंस मैंने पढ़ा जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उस सेंटेंस को मैं आपको और ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप हर एक लोग जो D2D वाले स्टूडेंट है तो वो तो कास्टिंग एक बार पढ़ के आए हैं पर दोज हु आर फ्रॉम द डायरेक्ट एंट्री आफ्टर द 12th इसके लिए मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ आपने कहीं जो है जो छोटी छोटी मूर्तियाँ है राइट छोटी छोटी जो अपने भगवान की जो मूर्तियाँ होती है उस मूर्तियों को बनाते कभी ना कभी किसी ने देखा ही होगा क्या करते हैं आपके पास जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो इस एग्जांपल के अंदर आप समझिए ये पूरी कास्टिंग प्रोसेस है आप एग्जांपल समझ जाओगे तो कास्टिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली समझ जाओगे राइट तो आपके पास मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास जो है वो एक जो स्क्रैप ऑफ जो है वो तांबा जो बोलते हैं ना राइट ज़्यादातर जो मूर्तियाँ जो होती है वो कौन सी धातु से बनी होती है कौन से मेटल से बना होता है राइट या तो फिर वो कोपर होता है या फिर वो पीतल होता है राइट तो कोपर की जो जितनी भी सारी आप भगवान की मूर्तियाँ या फिर आप वो सारे जो है जो 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 भी मंदिर के अंदर जो भी सारे वस्तुएं जो है जो यूज़ होती है आप उनको एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए वो कैसे बनते हैं आपने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये देखा ही होगा तो नॉर्मली क्या होता है एक मोल्ड होता है मोल्ड यानी ऐसी एक केविटी केविटी दैट मीन्स अ होलो पार्ट्स विच हैज़ अ सेम शेप जिसके अंदर उस तरीके का सेम जो है वो शेप होता है जो शेप आपको उस मूर्ति के अंदर डेवलप करना है
और इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार, ऐसा एक जो है एक मोल्ड एंटिटी, सपोज आपको भगवान शिव का जो है वो मूर्ति बनाना है, तो वहाँ पे ये फैसिलिटी कैसे होगी कि एक जो मूर्ति होगी वो जिस तरीके की आप भगवान शिव की मूर्ति बनाना चाहते हो वैसी ही मूर्ति जो है वो एक केविटी के फॉर्म में होगी। केविटी यानी एक छोटे से जो है वो गड्ढे के फॉर्म में, जो शेप उस केविटी के अंदर होगा वो भगवान शिव का शेप होगा। अब जैसे ही आप जिस मेटल से आप उस मूर्ति को बनाना चाहते हो उस मेटल को आपने मेल्ट कर दिया, राइट, पिघल दिया, अब उस मेल्टेड मेटल को आपने क्या किया उस मोल्ड के अंदर जो है वो डाल दिया। अब वो लिक्विड मेटल है, तो लिक्विड मेटल है वो क्या करेगा कि जैसा शेप उस केविटी के अंदर है, राइट, जैसा शेप उस केविटी के अंदर है वैसा शेप जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे आप क्या करते हैं पानी जो है वो पतीली में डालते हो तो पतीली जैसा शेप हो जाता है, ग्लास के अंदर डालते हो तो ग्लास जैसा शेप हो जाता है पानी का, उसी तरीके से वो लिक्विड मेटल जो है वो ऐसा ही शेप जो है वो एडॉप्ट कर लेगी जैसा शेप जो है वो आप जो है मूर्ति में पाना चाहते हो। फिर वो मेटल जो है वो धीरे धीरे सॉलिड होता जाएगा, जैसे ही वो सॉलिड हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं मोल्ड, यानी आप मोल्ड को उसको मोल्ड को वहाँ से इजेक्ट भी कर सकते हो या फिर ऐसे कुछ कंडीशंस के अंदर आप उस मोल्ड को ब्रेक भी कर सकते हो और अपना जो मेटल सॉलिडिफाइड हो चुके जो मूर्ति बन चुके उसको वहाँ से निकाल सकते हो। तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो कास्टिंग प्रोसेस जो है वो बोला जाता है। अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो इस लेक्चर के बाद। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर टूडेज लेक्चर, व्हाट इज द पैटर्न। पैटर्न किस चीज़ को बोलते हैं? In castings, a pattern is a replica of the object which is to be cast. Pattern किस चीज़ को बोलते हैं? तो कि casting process के अंदर pattern is a replica of the object. जो चीज़, जो object हमें बनाना है उस object का replica, वैसा ही shape, जिस चीज़ के अंदर है, जैसा हमें cast करना है, वैसे shape को जो है वो pattern जो है वो बोला जाता है। is used to prepare the cavity into which a molten material will be poured during the casting process. उसका use क्या होता है? उसका use होता है to prepare the cavity. Cavity को prepare करने के लिए जो है उसका use होता है, right? जैसे मैं आपको एक example के तौर पर बताता हूँ कि cavity का use कैसे होता है। जैसे आपके पास जो है, मैं एक example आप समझिएगा, बहुत इजी है पैटर्न का यूज़ क्या तो है। आपके पास जो है आप समंदर किनारे गए होगे, राइट, समंदर किनारे जो रेत होती है उस रेत के अंदर जो है आप समझिए कि आपने क्या किया, ऐसी जो है मॉइस्चराइज जो है ना, मॉइस्चराइज रेत है, उस रेत के अंदर आपके पास आप समझिए कि छोटा सा एक ऐसा मेटल का टुकड़ा है, जैसे आपका अल्फ़ाबेट, जैसे मेरा अल्फ़ाबेट, मेरा नाम से अल्फ़ाबेट जो है वो स्टार्ट होता है के, राइट, तो उस के वाला जो अल्फ़ाबेट है आप जोर से उस मॉइस्चराइज रेत के अंदर आप प्रेस करोगे तो वो रेत जो है वो वहाँ पे क्या, वो शेप जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वहाँ पे एक समझिए कि के वाला जो है वो एक तरीके से गड्ढा बन चुका है, उस गड्ढे के अंदर आपने लिक्विड मेटल डाल दिया, जैसे वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो क्या करेगा, सॉलिडिफाइड जैसे ही वो लिक्विड मेटल जो है वो आपने सॉलिडिफाइड हो गया तो वहाँ से आपने वो लिक्विड मेटल निकाल लिया। आप लिक्विड मेटल निकाल लिया आपने तो जैसे वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो वो लोहे का जो है वो के बन जाएगा। तो जो मैंने उस रेत के अंदर के वाली जो एक रेप्लिका जो है जो एम्बोज करने के लिए, वहाँ पे एम्बोज नहीं बोल सकते, उसको क्रिएट करने के लिए जो मैंने जिस चीज़ का यूज़ किया उस चीज़ को पैटर्न जो है वो बोला जाता है। द पैटर्न इज यूज्ड इन द सैंड कास्टिंग इज मे बी मेड फ्रॉम द वुड मेटल
प्लास्टिक्स और अदर मटेरियल। तो आप समझिए कि पेटेंट किस किस चीजों से बना हो सकता है। तो पेटेंट जो है वो बना हो सकता है वुड का, मेटल का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है एंड अदर मटेरियल से भी ये पेटेंट जो है वो बना हुआ हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द पेटेंट। आई थिंक योर पेटेंट कंसेप्ट वॉज क्लियर विद दिस स्लाइड्स। नाउ वी मूव फॉरवर्ड विद द टाइप्स ऑफ पेटेंट्स, किस तरीके के कितने कितने तरीके के पेटेंट्स होते हैं। नाउ इससे पहले एक चीज जो है वो हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड पेटेंट्स। द फर्स्ट सू सिक्योर अ डिजायर्ड शेप्स एंड साइज ऑफ द कास्टिंग, जिससे हम एक सिक्योर्ड डिजायर्ड जो चाहिए हमें वो शेप और साइज हम लोग कास्टिंग से बना सके। सेकेंड अ चीप एंड रेडिली रिपेयरेबल, जो सस्ता हो और जिसको ईजिली जो है वो पेटर्न ऐसा होना चाहिए कि जो सस्ता हो और ईजिली उसको हम लोग रिपेयर कर पाए। सिंपल इन द डिज़ाइन फॉर द एस ऑफ द मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के लिए जो है वो डिज़ाइन में एकदम सिंपल हो ताकि एक आसानी से उसको बनाया जा सके। लाइट इन द मास एंड कन्वीनियंट टू हैंडल, वेट में जो है वो लाइट होना चाहिए जिससे हम लोग ईजी उसको कन्वीनियंटली उसको हैंडल कर सके, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। नाउ फिफ्थ विच इज हैव ए हाई स्ट्रेंथ एंड अ लॉन्ग लाइफ इन ऑर्डर टू मेक एज मैनी मोल्ड एज रिक्वायर्ड, उसका स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा होना चाहिए एंड लाइफ जो है उसका लॉन्ग लाइफ होना चाहिए एंड मेक योर मोल्ड इज आप उससे काफ़ी सारे मोल्ड जो है वो प्रिपेयर कर पाओ, ऐसा उसका लाइफ जो है वो होना चाहिए। नाउ सिक्स विच इज इट इज रिटेन इट्स डिमेंशंस एंड rigidly during a definite service life, it's retain its dimensions, वो अपने खुद की dimensions जो है वो sustain कर पाए वैसा होना चाहिए and they are readily or rigidly during the definite service life, वो पूरी अपनी service life के अंदर वो as a rigid structured हो ऐसा जो है उसका conditions जो है वो होना चाहिए उसके service life के अंदर। Now next which is its सरफेस इज शुड बी स्मूथ एंड वेयर रेजिस्टेंस, राइट, उसका जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस होना चाहिए एंड वेयर रेजिस्टेंस जो है वो होना चाहिए, उसके अंदर वेयर जो है वो होना नहीं चाहिए या फिर आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट विच इज इट इज एबल टू विदस्टैंड द रफ हैंडलिंग, राइट, वो अगर किसी तरीके से उसका एक तरीके से रफ हैंडलिंग हो रहा है तो वो रफ हैंडलिंग वो हैंडल कर पाए ऐसा उसका जो है वो कंडीशंस जो है वो होना चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड पेटेंट्स। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेटेंट्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ओवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेटेंट्स। द सेवरल पेटेंट्स, सेवरल टाइप्स ऑफ द पेटेंट्स आर यूज्ड इन द फाउंड्रीज विच इज डिपेंडिंग अपॉन द कास्टिंग रिक्वायरमेंट। काफ़ी कुछ टाइप के पेटेंट्स जो है वो कास्टिंग और या फिर फाउंड्रीज के अंदर यूज़ होते हैं, पर उसका डिपेंड्स करता है, उसका सिलेक्शंस जो है वो डिपेंड्स करता है कि कास्टिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। द पेटेंट इज मे कन्फर्म्स वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, सो फर्स्ट दैट इज अ सॉलिड पीस पेटेंट्स, स्प्लिट पीस पेटेंट्स, मैच प्लेट पेटेंट्स, कोप एंड ड्रेक टाइप्स ऑफ द पेटेंट्स, लूज पीस पेटेंट्स, gated patents, sweep patents, skeleton patents, shell patents, segmental patents, follow board patents, lag up patents and multi-pieces patents. So these are the different types of the patents. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है वो approximately 12 से 13 तरीके के patents जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं। अब उस पेटेंट को जो है वो हमको बारी बारी से एक बार समझने की जो है वो कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ओवर द डिफरेंट पेटेंट्स। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट विच इज अ सॉलिड और अ सिंगल पेटेंट्स। आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हैं कि फिगर के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक सॉलिड जो है या फिर एक सिंगल पेटेंट आपको आपके पीस आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिख रहा है।
इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेड टाइप ऑफ द पेटेंट्स इन वन पीस. इट इज़ अ सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पेटेंट्स इज मेड इन वन पीसेस. ये सबसे पेटेंट में सबसे जो सॉरी भी पेटेंट है उसमें सबसे जो है वो सिंपल तरीके का पेटेंट्स है जो एक ही पीस से बना होता है. एंड इट इज़ नॉट कैरीज द एनी जॉइंट्स पार्टीशंस और द लूज पीसेस. इसके अंदर ना तो जो एक ही पीस में से जो है वो बना हुआ है इसीलिए इसको सिंगल पेटर्न बोलते हैं. इसके अंदर किसी भी तरीके का जॉइंट्स नहीं है. इसमें किसी तरीके का दो पार्टीशन दो पीस को पार्ट करके बना है ऐसा भी कुछ नहीं है. और इसी इसके अंदर ना किसी तरीके के लूज पार्ट्स हैं लूज पीसेस हैं. द पेटर्न इज चीप एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अ लिमिटेड प्रोडक्शंस ओनली. ये पेटर्न जो है वो काफ़ी सस्ता है पर इसका ज़्यादातर जो है वो यूज़ जब आपको लिमिटेड नंबर ऑफ द पीसेस का प्रोडक्शन करना है तब ये ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहता है. सिंस इट्स मोल्डिंग इज इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल ऑपरेशंस लाइक अ गेट कटिंग्स प्रोवाइडिंग रनर्स राइजर्स एक्सेट्रा. इसके अंदर जब आप मोल्डिंग ऑपरेशंस करते हो तो इसमें ज़्यादातर मैनुअल ऑपरेशंस रहते हैं. जैसे इसके अंदर उस गीट का जो है वो पेटर्न को कट करना राइट फिर रनर और राइजर को प्रोवाइड करना. तो ऐसे ऑपरेशंस जो है इस तरीके के पेटर्न के अंदर नॉर्मली जो है वो मैन्युअली होते हैं. सो सच पेटर्न्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ फ्यू लार्ज कास्टिंग फॉर एग्जांपल्स ए स्टफिंग बॉस और अ स्टीम इंजन्स. जैसे जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ दी जैसे बहुत बड़ा एक कास्टिंग है फॉर एग्जाम्पल आपका स्टफिंग बॉक्स हो गया कि स्टीम इंजन हो गया. जैसे उस स्टीम इंजन को बनाए तो उस तरीके के पार्ट को बनाने के लिए आप इस तरीके का पेटर्न जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड विच इज़ अ स्प्लिट और अ टू पीसेस पेटर्न. दिस पेटर्न्स आर यूज्ड फॉर इंटीग्रेट कास्टिंग ऑफ यूजुअल शेप्स. जिसका इंटीग्रेट कास्टिंग यानी ये बोल सकते हैं कि जिसका शेप जो है वो डिफिकल्ट है राइट जिसका इंटीग्रेट कास्टिंग है तो ऐसे पीसेस को बनाने के स्प्लिट यानी कि दो भाग में स्प्लिट यानी किसी भी चीज को दो हिस्सों में बेचना राइट और इसका नाम टू पीस पैटर्न भी बोल सकते हैं. स्प्लिट का मतलब ही यही होता है. तो ऐसे कुछ बड़े पार्ट से जिसको दो हिस्सों में बनाना पड़े तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जो है वो आप इस तरीके के पैटर्न यूज़ कर सकते हो. दे आर मेड इन टू पार्ट्स एंड दिस टू पार्ट्स ऑफ द पैटर्न्स आर जॉइंट टूगेदर्स विद द हेल्प ऑफ द डोवेल पिन राइट. पैटर्न जो है वो दो हिस्सों में जो है वो बना होता है. अब दो हिस्सों में पैटर्न बना होता है क्योंकि वो अगर ऐसे कुछ पार्ट्स है जिसका शेप ऐसा है तो उस कंडीशन में आप ऐसा पैटर्न यूज़ कर सकते हो. और दोनों पैटर्न को जो है वो आप दोनों पैटर्न के दोनों हिस्सों को जो है वो आप डोवेल पिन से जो है वो फिक्स कर सकते हो ताकि वो पूरा एक पार्ट बन जाएगा राइट. फिर आप उसके अंदर जो है वो लिक्विड मेटल को प्योर करके फिर उसको मोल्ड के अंदर रख के लिक्विड मेटल को फिर वो जैसे ही वो मोल्ड ऐसा शेप जो है वो गेन कर लेगा उसके बाद उसके अंदर आप लिक्विड मेटल को प्योर कर सकते हो. वाइल मोल्डिंग वन ऑफ द पेटर्न इज द कंटेंट्स बाय अ ड्रैग एंड द अनदर पोर्शन इज कोप. अब दो हिस्सों जो है उस पेटर्न के इस एक को जो है वो कोप बोला जाता है एक को ड्रैग बोला जाता है. फॉर अ मोर कॉम्प्लेक्स कास्टिंग दिस पेटर्न इज मे बी स्प्लिट इन टू द टू पार्ट्स. जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है उसके अंदर अगर आपको ऐसे पार्ट्स बनाने हैं तो उस पार्ट को ज़्यादातर जो है वो दो हिस्सों में बांटकर ऐसा पार्ट्स जो है बनाए जाते हैं तब ये वाला पैटर्न जो है वो यूज़ होता है. नाउ द थर्ड विच इज़ अ मैच प्लेट पैटर्न्स. मैच प्लेट यानी जो माचिस का जो डिब्बा होता है उस तरीके का राइट. मैच प्लेट्स यानी उसी तरीके का. दिस आर यूज फॉर द मास प्रोडक्शंस. दिस पैटर्न इज फाइंड्स अ ग्रेट फेवर इन मशीन मोल्डिंग. तो ये मास प्रोडक्शंस के लिए आप याद रखिएगा ये पहला इसका पॉइंट आता है ये मास प्रोडक्शंस के लिए यूज़ होता है. ये ज़्यादातर मशीन मोल्डिंग के लिए जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है. ए मैच प्लेट पैटर्न इज़ ए स्प्लिट पैटर्न
हैविंग अ कोप एंड ड्रैग पोर्शंस, ये भी स्प्लिट पैटर्न्स के जैसा ही होता है जो दो हिस्सों में बना होता है, कोप एंड ड्रैग, विच इज माउंटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेट, वो ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेट माउंटेड होता है, विच इज कॉल्ड एज अ मैच प्लेट्स दैट कन्फर्म्स द काउंटर्स ऑफ द पार्टिंग सर्फेस. द गेट एंड रनर्स आर ऑल्सो माउंटेड ऑन अ मैच प्लेट्स. गेट और रनर्स, जिसकी मदद से आप जो है वहाँ पे मेटल को प्योर कर सकते हो, वो भी इसके ऊपर लगे होते हैं. सो दैट वेरी लिटिल हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड, जिसके अंदर बहुत हार्डवर्क ऐसे पेटेंट्स के अंदर नहीं लगता है. सो द रिजल्ट इज द हायर प्रोडक्टिविटी. आप छोटे छोटे अगर आपको काफ़ी सारे पार्ट्स बनाने हैं तो ये हायर प्रोडक्टिविटी जो है इस तरीके का पेटेंट जो है वो हमें दे सकता है और इसको हम उस कंडीशंस के अंदर यूज कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ वन विच इज अ कोप एंड ड्रैग टाइप्स ऑफ द पैटर्न. व्हेन अ वेरी लार्ज कास्टिंग्स आर टू बी रिक्वायर्ड, व्हेन अ वेरी लार्ज कास्टिंग इज टू बी रिक्वायर्ड द कंप्लीट पैटर्न इज बिकम टू हैवी. जब आपको बहुत बड़ा कुछ कास्टिंग बनाना है तो एक जो पूरा कास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल विथ अ सिंगल ऑपरेटर, एक ही बंदा जो है इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा. सच पैटर्न इज मेड इन द टू पार्ट्स, और उस तरीके के एप्लीकेशंस के लिए जो पैटर्न जो है वो दो हिस्सों में जो है वो बनता है. अब दो हिस्सों में बनता है इसीलिए इस चीज़ को कोप एंड ड्रैग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स जो है वो बोला जाता है. एक हिस्सा उसका ऊपर वाला हिस्सा कोप बोला जाता है और पैटर्न का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ड्रैग जो है वो बोला जाता है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मोल्ड द टू बॉक्सेस आर असेंबल्ड. जैसे ही वो मोल्ड बन जाता है दो हिस्सों में, तब उस दोनों हिस्सों को जो है वो असेंबल कर दिया जाता है टू फ्रॉम द कंप्लीट कैविटी. अब उसके साथ ही वो कंप्लीट एक कैविटी बन जाएगा. इट इज सिमिलर टू द टू पीसेस पैटर्न. वो भी एक तरीके से दो पीस पैटर्न, टू पीसेस पैटर्न जो है या फिर स्प्लिट पैटर्न जैसा ही ये वर्क करता है. नाउ द लूज पीस पैटर्न. अब लूज पीस पैटर्न जो है वो किस चीज को बोलते हैं? लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन. सम पैटर्न्स आर यूजुअली अ सिंगल पीस आर मेड्स टू हैव अ लूज पीस इन ऑर्डर टू एनेबल देयर इजी विथ ड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड. सम पैटर्न्स आर यूजुअली सिंगल पीसेस, जो काफी कुछ पीसेस रहते हैं वो जो सिंगल पीसेस रहते हैं, आर मेड्स टू हैव अ लूज पीस, जिसके अंदर लूज पीसेस होते हैं, इन ऑर्डर टू अनेबल देयर इजी विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड, जिससे वो इजीली मोल्ड के अंदर से उस पैटर्न को हम लोग इजीली जो है वो विड्रॉ कर पाए. दिस पीसेस फ्रॉम एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द पैटर्न्स ड्यूरिंग द मोल्डिंग. कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जो इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं मोल्ड के अंदर, राइट. आफ्टर द मोल्ड इज कंप्लीटेड द पैटर्न इज विड्रॉ. जैसे ही वो मोल्ड बन जाएगा तो हम लोग पैटर्न जो है वो निकाल देंगे, विच इज लिविंग द पीसेस इन द सैंड्स. अब लूज पीस पैटर्न के अंदर उस पैटर्न का कुछ हिस्सा जो है वो उस मोल्ड के अंदर रह जाता है, विच आर लेटर देन विड्रो सेपरेटली. और वो जो है वो जैसे पैटर्न निकाल लिया, उसके बाद जो छोटा सा वो बचा हुआ जो हिस्सा है जो कुछ इंटीग्रेट शेप डेवलप्ड करने के लिए आपने स्पेशली वहाँ पे रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उस हिस्सा को बाद में निकाला जाता है थ्रू अ कैविटी फ्रॉम द पैटर्न्स. तब ऐसे पैटर्न्स को जो है वो लूज पीस पैटर्न जो है वो बोला जाता है. नेक्स्ट विच इज अ गेटेड पैटर्न. गेटेड पैटर्न क्या होता है? दे आर यूज्ड इन द मास प्रोडक्शंस फॉर अ सच कास्टिंग विच इज हैज अ मल्टी कैविटी मोल्ड्स आर प्रिपेयर्ड. ऐसे कास्टिंग जो है वो मास प्रोडक्शंस के लिए यूज होते हैं. एंड सच कास्टिंग इज हैव मल्टी मोल्ड आर प्रिपेयर्ड. सिंगल सेंड मोल्ड कैरियर अ नंबर ऑफ कैविटी पैटर्न एंड दिस कास्टिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ द गेट फॉर्मर्स विच इज प्रोवाइड अ सूटेबल चैनल और अ गेट्स इन सैंड फॉर फीडिंग ऑल द कैविटीज.
A gated pattern is reduce the molding time somewhat. Because of their higher cost, these patterns are used for producing a small casting in a mass production system and on the molding machines. मैं आपको इस पैटर्न को इजीली समझाने की कोशिश करूं तो जैसे आपको छोटे छोटे एक तरीके के अगर पार्ट जो है वो बनाने हैं तो आप देख लिए कि एक बीच वाला जो है वो आप फिगर के अंदर देख लीजिए, बीच वाला जो है वो एक सिंगल जो है वो कॉमन पैटर्न है, राइट। उसके इर्द गिर्द जो है वो जो भी आप छोटे छोटे गेट लगाए हैं, गेट लिखा है, वैसे पार्ट्स जो है वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो एक साथ आप मल्टीपल पार्ट्स जो है बना सकते हैं। जैसे ही आप वो बीच वाले हिस्से के अंदर मोल्टेन मेटल को प्योर करोगे तो वो प्योर होता होता वो क्या करेगा कि पहले हिस्से के अंदर लिक्विड मेटल जाएगा, वो भर जाएगा तो दूसरे हिस्से में जाएगा, दूसरे हिस्से वो भर जाएगा तो तीसरे हिस्से में। एक तरीके से एक साथ एक जगह से आप प्योर करके पूरी पैटर्न को आप फिल करके, पूरी मोल्ड को आप फिल करके आप एक तरीके के पार्ट जो है वो मास प्रोडक्शंस के लिए आप बना सकते हो। पर वो पार्ट नॉर्मली छोटे छोटे जो है वो इस तरीके के पैटर्न के अंदर रहते हैं। नाउ स्वीप पैटर्न, स्वीप यानी ये पूरा घूमता है, मूव होता है। अ स्वीप कैन बी एडवांटेजियसली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ मोल्ड ऑफ अ लार्ज सिमेट्रिकल कास्टिंग। जब आपको बहुत बड़े जो है वो पार्ट्स बनाने हैं और जो शेप में सिमेट्रिकल है, ऐसे पार्ट्स को बनाने के लिए ये स्वीप पैटर्न जो है वो यूज होता है। दिस अफेक्ट्स ए लार्ज सेविंग्स इन द टाइम, लेबर्स एंड मटेरियल्स, जिससे आपका बहुत सारा जो है वो सेव होता है, टाइम सेव हो जाएगा, लेबर सेव हो जाएगा और मटेरियल सेव हो जाएगा। अ स्वीप इज अ सेक्शन और अ बोर्ड विच इज मेड फ्रॉम द वुडन्स ऑफ अ प्रॉपर काउंटर्स that is rotated about one edge to shape the mold cavity having a shape of the rotational symmetry। आप देख लीजिए कि एक ऐसा एक पार्ट है, राइट। आप जैसे मैं आपको एक इजी तौर पे समझाने की कोशिश करूँ तो एक वर्टिकल आपके पास रोड है, रोड के अंदर जो है वो क्या है, रोड के अंदर रोड के साथ जो है वो तीन अलग अलग जो है वो छोटे छोटे मेटल के पीसेस जो है, जैसे अपने फैन के अंदर जो पांख लगी होती है ना, वैसे ही पांख आप उस रोड के साथ लगा दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, तो जो बीच वाला मेरा वर्टिकल रोड है, जैसे ही वो रोटेट करूँगा तो वो रोटेट करूँगा तो उसके साथ आप सोचिए, उसके साथ वो तीन जो है वो मैंने छोटे छोटे मेटल के जो पांख जैसे तीन रोड लगाए, वो रोड उसके साथ रोटेट हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि जैसा मैं इस चीज़ को अगर उस सैंड के अंदर जो है वो जैसे रोटेट करूँगा तो वैसा ही शेप जो है उस सैंड के अंदर डेवलप्ड हो जाएगा, जैसा मुझे अपने मेटल के अंदर चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ द पैटर्न इज यूज्ड व्हेन अ कास्टिंग ऑफ अ लार्ज साइज इज टू बी प्रिपेयर्ड इन अ शॉर्ट टाइम। ऐसे तरीके के पैटर्न जो है वो आपको अगर बहुत बड़े साइज के कास्टिंग छोटे कुछ कम समय के अंदर बनाना है तो इस तरीके के पैटर्न्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट विच इज अ स्केलेटन पैटर्न्स फॉर अ लार्ज कास्टिंग विच इज हैविंग अ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे स्केलेटन दैट मीन्स अगर आपको बहुत बड़ा पानी का पाइप बनाना है, तो पानी का पाइप अगर बनाना है तो आप उस पाइप जैसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप स्केलेटन पैटर्न जो है वो यूज कर सकते हो। आप समझ लीजिए कि साइज में बड़ा है पर उसका ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो सिंपल है, राइट। पानी का पाइप वैसे ही होता है ना, साइज में बड़ा होता है पर उसका ज्योमेट्रिकल शेप देख लिए तो वो सिंपल शेप रहता है। स्केलेटन पैटर्न आर टू बी यूज जस्ट लाइक अ स्वीप पैटर्न। दिस आर अ सिंपल फ्रॉम सिंपल मेड फ्रॉम द वुडन फ्रेम्स दैट आउटलाइंस द शेप ऑफ द पार्ट विच इज टू बी कास्ट आर यूज्ड टू गाइड बाय द मोल्डर इन हैंड शेपिंग्स ऑफ द मोल्ड। दिस टाइप ऑफ द पैटर्न इज ऑल्सो यूज्ड इन पीट और फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस। इस टाइप के जो पैटर्न्स हैं वो पीट और फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर भी जो है वो काफ़ी यूज
होते हैं. नेक्स्ट विच इज दी फॉलो बोर्ड पेटेंट्स. ए फॉलो बोर्ड पेटेंट इज अ वुडन बोर्ड, जो एक लकड़ी से बना हुआ बोर्ड है, इज यूज्ड फॉर सपोर्ट टू द पेटेंट ड्यूरिंग द मोल्डिंग. तो इस तरीके का पेटेंट जो है फॉलो बोर्ड, यानी वो सपोर्ट के लिए जो यूज होता है, इस तरीके का यह पेटेंट रहता है. इट इज एक्ट एज अ सीट ऑफ द पेटेंट्स, वो पेटेंट के सीट के तौर पे यूज होता है. इन द फॉर्मर केसेस द फॉलो बोर्ड इज प्रोवाइडेड विथ अ केविटी विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दी द शेप ऑफ द पेटेंट्स इन विच द पेटेंट इज टू बी सीटेड इन द मोल्डिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज ए फॉलो बोर्ड पेटेंट्स. सो दिस आर द पेटेंट्स वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर्स. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेटेंट्स विच विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग द कास्टिंग पेटेंट्स, रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ पेटेंट्स, वॉट इज द रोल ऑफ पेटेंट्स, वॉट काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज हैविंग इन द पेटेंट्स, what is the requirements of the patents, still you can ask any kind of the questions from these lectures in the comment section. You can also ask me through the WhatsApp also. I will definitely give you I will definitely solve your doubts within a day. So don't hesitate with your questions, ask the questions, I will definitely solve your queries. So this is all about the today's lecture. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which will be counted as your attendance. So thank you so much for watching this video lecture.